Hello students, welcome to the class on current affairs, and in this class I will be dealing with the topic General System of Preferences. Now from examination point of view, this will help you in General Studies mains paper 3. Now what is this General System of Preferences? Recently ye news mein hai, and America USA kya keh raha hai ki wo General System of Preferences mein jitni bhi flexibility India ko de rakha hai, jitna bhi preferences India ko de rakha hai, he will be reducing those preferences. उन preferences को कम कर देगा, उनको reduce कर देगा. Now, before understanding this general system of preferences, we need to have a bigger idea about this entire thing. First of all, we need to understand कि trade दुनिया में कैसे होता है. अगर present day trade का बात करें, the most important body, international body, that is basically guiding the trade, it is the WTO. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, हाउ द ट्रेड शुड एक्चुअली बी कंडक्टेड, ट्रेड को किस तरह से कंडक्ट करना है देशों को. नाउ उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जो डब्ल्यूटीओ का है, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज दिस मोस्ट फेवर्ड नेशन? द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज, इट मींस कि जितने भी देश हैं वो सब देशों को इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, इक्वल प्रेफरेंसेस देंगे. तो व्हाट इट मींस, नाउ लेट अस सपोज इंडिया, इंडिया इज इंपोर्टिंग कैमरास फ्रॉम 5 or 6 नेशंस. नाउ इन दैट केस इंडिया कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट दैट व्हाट एवर कैमरास व्हाट दैट इंडिया विल बी इंपोर्टिंग फ्रॉम जर्मनी ऑन दोज प्रोडक्ट्स, इंडिया विल नॉट बी इंपोजिंग एनी काइंड ऑफ टैक्सेस. बट व्हेन इट इंडिया विल बी इंपोर्टिंग the cameras from South Africa or let us say from China, in that case India will be imposing more of the taxes. तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इंडिया नहीं कर सकता. India should be creating the platform of equality for everyone, so there should be no discrimination as such. So this is the clause that is most favored nation clause. But इस most favored nation clause का एक बहुत important exception है. Now what is that exception? मैंने आपको अभी बताया सब देशों को एक जैसा ट्रीटमेंट देना है, बट अंडर मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक एक्सेप्शन क्या है, वो ये कहता है कि विद रिस्पेक्ट टू द डेवलपिंग कंट्रीज द डेवलप्ड कंट्रीज कैन ऑफर दम बेनिफिट. लेट अस सपोज यूएसए ने एग्रीकल्चर को इंपोर्ट करने के ऊपर, लेट अस सपोज कि यूएसए ने वीट को इंपोर्ट करना है, एंड इन दैट केस यूएसए का जो इंपोर्ट टैक्स है, जो टैक्स लेवी करता है इंपोर्ट करने के ऊपर, वो इंपोर्ट ड्यूटी जो लेवी करेगा, लेट अस सपोज दैट इज 10%, बट यूएसए विल हैव द राइट टू ऑफर इट एट अ लेसर रेट टू द डेवलपिंग कंट्रीज, बिकॉज यूएसए और डेवलप्ड कंट्रीज का ये मानना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो अच्छे से ट्रेड में इंडल्ज हो सके, वो भी धंधे में इंडल्ज हो सके. एंड अगर हम उनको नहीं ऑफर करेंगे लेसर इंपोर्ट ड्यूटी, तो वो हमारे प्रोडक्ट के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई द कंट्रीज, द डेवलप्ड कंट्रीज, दे हैव बीन ऑफरिंग द डेवलपिंग कंट्रीज अ लेसर इंपोर्ट ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ द मोस्ट फेवर्ड नेशन. मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड कंडक्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है, दिस इज कंडक्टेड अंडर द स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश्ड बाय डब्ल्यूटीओ, प्लस और भी बहुत सारा एग्रीमेंट्स रहता है जिसके अंडर ट्रेड कंडक्ट होता है. वी हैव द बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, वी हैव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, वी हैव द मल्टीलेटरल ट्रीटीज, जैसे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ऐसी भी ट्रीटीज हो जाती हैं जो देशों के बीच में ट्रेड को कंडक्ट करने के लिए अलग स्टैंडर्ड्स सेटअप करती हैं. बट डब्ल्यूटीओ का ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है, एंड इसका एक्सेप्शन क्या है, दैट इज जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इज इट्स एक्सेप्शन. नाउ इंडिया को ये एक्सेप्शन के अंडर बहुत सारा बेनिफिट हो रहा था. ये जो सिस्टम शुरू हुआ है खास करके यूएस लिमिटेड स्टार्टेड इन ईयर 1976, सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट विद रिस्पेक्ट टू जीएसपी. सो इंडिया अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था यूएसए में, यूएस हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कम इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था, एंड हमें बहुत सारा बेनिफिट होता था विद रिस्पेक्ट टू द अदर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि उनके प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा ड्यूटी लग जाता था. बट ऑफ लेट 2008 के बाद जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है. ना 2008 के बाद सिचुएशन कैसे चेंज हो गया? सी आफ्टर 2008 ग्लोबल इकोनॉमिक
क्राइसिस शुरू हो गया है एंड ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर एक्चुअली नॉट लिबरलाइजिंग देयर इकोनॉमी. अब वो अपने इकोनॉमीज को खोल नहीं रही हैं, ऐसा नहीं है कि ड्यूटीज कम नहीं कर रही हैं. अब कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दे हैव एंटर्ड इनटू अ न्यू रिजीम, एक नए तरह के दौर में वो आज की डेट में शामिल हो गई हैं. वो दौर है प्रोटेक्शनिज्म का. नाउ ऑल द कंट्रीज दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ कि कोई दूसरे देश का प्रोडक्ट हमारे देश में सेल करने ना आ जाए, कहीं हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खराब ना कर दे. सो दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म हैड इंटेंसिफाइड जब से बिजनेसमैन प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप. बिकॉज देखा जाए तो ही इज एक्चुअली अ बिजनेसमैन, ही एंड ही वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. एंड इट इज दिस रीजन दैट ही इज वेरी मच क्रिटिकल ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया, कंट्रीज लाइक चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज. बिकॉज ही बिलीव्स दैट कि जितने भी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, ये यूएसए के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं. एग्जाम्पल, अगर किसी ने हार्ले डेविडसन बाय करना है तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है इंडिया में. उसका महंगे पड़ने का कारण ये नहीं है कि हार्ले डेविडसन बहुत ज्यादा महंगा है, उसके पीछे है इंपोर्ट ड्यूटी. सो कंट्रीज लाइक इंडिया आर नॉट अलाउइंग द वेस्टर्न कंपनीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया. अगर वो करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगता है. तो पहला ये कारण है कि अभी यूएसए जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंडर हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है कि वो ये प्रेफरेंसेस खत्म कर देगा. उसके पीछे दो तीन कारण है. सबसे पहला कारण तो हार्ले डेविडसन का है. ये एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार दिया है कि हिंदुस्तान जैसे देश बहुत ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिसेंटली इंडिया में नए ई कॉमर्स रेगुलेशंस आ गए हैं. ई कॉमर्स रेगुलेशंस हमारा फरवरी के मंथ से एप्लीकेबल हो गया है. What that means कि जितना भी ई कॉमर्स का कंपनी है, लाइक फ्लिपकार्ट है हमारे पास अमेजोन है, ये सारी कंपनीज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी बाकी सब लोगों को प्रोडक्ट सेल करने का. ये खुद अपना इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकता. एग्जाम्पल, अमेजोन की कंपनी खुद कैमराज, मोबाइल्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खुद बाय करके बल्क में उसको अपने प्लेटफॉर्म पर सेल नहीं कर सकती, और सब लोग उसके प्लेटफॉर्म पे जाके चीजें सेल कर सकते हैं. दिस इज अलाउड. नो, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है किसको? वॉलमार्ट को. नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो वॉलमार्ट कंपनी है, वॉलमार्ट कंपनी इज वेरी वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप भी एक बिजनेसमैन रहे एंड वॉलमार्ट कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई यूएसए जो धमकी दे रहा है कि जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इंडिया के खत्म कर देगा एंड नाउ इंडिया विल हैव टू सेल इट्स प्रोडक्ट इन अ कॉम्पिटेटिव मैनर इन द डेवलप्ड कंट्री, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज बाकी देशों ने अभी भी जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म नहीं किया है इंडिया के लिए. तो ये सबसे बड़ा कारण है, हार्ले डेविडसन कारण है. सेकेंड इज वॉलमार्ट, बहुत बड़ा कारण है. एंड तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस खत्म हो रहे हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द रिडक्शन इन द प्राइजेस ऑफ द स्टेंट्स. देखिए, दिल का बीमारी बहुत लोगों को होता है एंड होता क्या है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं. जब वो आर्टरीज हमारे दिल का ब्लॉक होता है, हार्ट को अच्छी तरह फंक्शन कराने के लिए उसमें स्टंट डालना पड़ता है एंड ये स्टंट का कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है. अभी इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, इसको लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में डाल दिया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, LOEM, लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन. ना उससे क्या है, जितनी भी कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जितना भी वो इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं स्टंट को, उनको बहुत ज्यादा घाटा पड़ना शुरू हो गया. क्योंकि इंडिया ने एक बेंचमार्क डिफाइन कर दिया कि इससे महंगा आप स्टंट रख ही नहीं सकते. सो दिस वॉज अनदर रीजन वाई जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज का जो बेनिफिट इंडिया को मिल रहा था वो एक्चुअली खत्म होने जा रहा है. सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी, इसको जरूर शेयर कीजिए. बिकॉज मेरा यह मानना है कि यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए बहुत कम क्वालिटी का क्लासेज यूट्यूब पे अवेलेबल है या किसी और प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जितने भी फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं. एंड अगर आप एक सिंसियर कैंडिडेट हैं, आपको पता होगा यूपीएससी की प्रेपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है मेन्स का टेस्ट सीरीज एंड प्रिलिम्स का टेस्ट सीरीज. एंड फॉर दैट यू कैन ज्वाइन माई टेस्ट सीरीज फॉर द मेन्स, जिसमें हम टोटल 20 टेस्ट आपके कंडक्ट कराएंगे.
एंड बहुत अच्छे से इनडेप्थ इवेल्युएशन करेंगे एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि आपका आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाए. सो दिस वॉज ऑल फॉर द डे. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस नाइस डे.